ये मर्डर बहुत ही बेरहमी से हुआ है। लाश के भी कई हिस्से किए गए हैं। कांस्टेबल, फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है क्या? हाँ जी सर, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है, बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। ऐसा लगता है कि मर्डर करने वाले को इस शख्स से कुछ ज्यादा ही नफरत थी। वैसे जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम क्या है? आदित्य सिंह। और सर, ये एक सीबीआई ऑफिसर थे। सीबीआई ऑफिसर आदित्य सिंह? कहीं ये वही आदित्य सिंह तो नहीं है जो हाल ही में ब्लैक मनी केस पर काम कर रहे थे? जी हाँ सर, वही। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि अब हमारी जिंदगी में सुकून खत्म होने वाला है। हमें जल्द से जल्द इस केस को खत्म करना पड़ेगा। उसी वक्त वहाँ सीबीआई के एसीपी विक्रम पहुंच जाते हैं और घटना का मुआयना करते हैं। हेलो, क्या अपडेट है? कुछ सबूत मिले कि ये सब किसने किया और क्यों किया होगा? जय हिंद सर। नहीं सर, अभी तक तो फिलहाल कुछ ऐसा नहीं मिला है। फॉरेंसिक टीम एरिया को स्कैन कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? इंस्पेक्टर नितिन सर। लुक नितिन, इट्स अ हाई प्रोफाइल केस। जल्द से जल्द इस केस की तह तक जाओ और पता लगाओ कि ये सब किसने किया है। वही सबके लिए ठीक होगा। जी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, वी नीड रिजल्ट्स। इससे पहले कि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इस केस पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। अंडरस्टैंड? यस सर। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। कुछ काम की भी है कि वही बाकी रिपोर्ट जैसी ही है? नहीं सर, कुछ खास है। लाश की पीठ पर कुछ लिखा हुआ है, वो भी संस्कृत में। क्या लिखा हुआ है? सर, उस पर लिखा है प्रत्य, जिसका मतलब होता है मौत के बाद। मौत के बाद? लेकिन ऐसा कोई क्यों लिखेगा, वो भी लाश के ऊपर? ये केस तो अभी से ही सवाल खड़े कर रहा है। पता नहीं आगे आगे क्या नए नए मोड़ लेगा। तभी इंस्पेक्टर नितिन को एसीपी विक्रम का कॉल आता है। हेलो इंस्पेक्टर नितिन, एसीपी विक्रम हियर। एनी प्रोग्रेस इन द केस? जय हिंद सर। सर, हम उसी पर काम कर रहे हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स ही देख रहे हैं। एनीथिंग सस्पिशियस? नो सर, बस आदित्य सर की पीठ पर किसी ने प्रत्य लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है मौत के बाद। ये तो काफी अजीब है, कोई ऐसा क्यों लिखेगा? ठीक है, तुम अपना काम करते रहो और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। यस सर, जय हिंद। इंस्पेक्टर नितिन क्राइम सीन पर फिर से जाते हैं और आदित्य सिंह के घर की तलाशी भी लेते हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता जो कि उनके किसी काम का हो। उसके बाद वो आदित्य सिंह के नौकर से पूछताछ करते हैं। सबसे पहले तुमने ही लाश देखी थी ना? जी सर, मैं जब सुबह आया तो मैंने देखा कि हॉल में जमीन पे चारों तरफ खून फैला था। उसके बाद मैं साहब के कमरे में गया तो वहाँ उनकी लाश देखी और फिर मैंने आपको फोन किया। तुम्हें घर में कुछ अलग लगा? मेरा मतलब जैसे कि कोई अजीब चीज या सामान? जी सर, हॉल के टेबल पर दो शराब के गिलास पड़े थे, लेकिन साहब शराब नहीं पीते थे। इंस्पेक्टर नितिन ने कांस्टेबल की तरफ हैरानी से देखा। लेकिन सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में उनके शरीर में शराब नहीं पाई गई है। इसका मतलब जिसने भी आदित्य सिंह का मर्डर किया है वो उन्हें अच्छे से जानते थे। अच्छा, अभी वो ग्लास कहाँ है? सर, वो तो फॉरेंसिक लैब में ही होगी। ठीक है, उसी से हमें कुछ मदद मिलेगी। चलो। ये कैसे हो सकता है? लैब से ग्लासेस कैसे गायब हो सकते हैं? एंट्री लॉग में तो ग्लासेस मेंशन है, तो फिर कैसे? मैंने जितना सोचा था ये केस तो उससे भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। इस बारे में इंस्पेक्टर नितिन एसीपी को तुरंत इन्फॉर्म करते हैं।